हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको कंपनी खाते से संबंधित तीन अंतर बताएंगे और एक क्वेश्चन बताएंगे। जो स्टूडेंट कॉरपोरेट अकाउंटिंग बीकॉम में पेपर देंगे, जो स्टूडेंट अकाउंटेंसी ट्वेल्थ में पेपर देंगे, जो स्टूडेंट एडवांस अकाउंट एमकॉम में पेपर देंगे, दावा और गारंटी देता हूँ पेपर में ज़रूर आएगा, मिला लेना पेपर। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ये बी काम एम काम इंटर सब एक कैम बता रहे हैं, आपको सोचना है, आप चाहे जो सोचिए, लेकिन जो चीज़ सिलेबस में है, जो पूछा जाता है, वो मैंने बोल दिया है आपके सामने। एक अंतर ए लिख कर हमने रखा है। ए अंतर जो है पूर्वाधिकार अंश समता अंश में अंतर है। हमने बहुत सारी वीडियो बहुत सारे लोगों को बताई भी है। पूर्वांश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश समता अंश। पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी में सबसे पहले लाभांश मिलता है। लाभांश की दर निश्चित होती है, कंपनी में बोर्ड देने का अधिकार नहीं होता है, कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, कंपनी में कंपनी की प्रबंध एवं संचालन सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनके लाभांश की दर स्थिर होती है और पहले मिलता है। ये जान लीजिए, कंपनी का जब समापन होगा तो लास्ट सबसे पहले इनका पैसा दे दिया जाता है। क्षमतांश, समता अंश को साधारण अंश कहते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं। समता अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी में पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद में लाभांश मिलता है। लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, कंपनी को लाभ होगा तो लाभांश मिलेगा, लाभ नहीं होगा तो लाभांश नहीं मिलेगा। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी के अलावा कंपनी के प्रबंध संचालन समिति में इनको भाग लेने का अधिकार होगा, बोर्ड देने का अधिकार होगा। इन सारी चीज़ों को नॉर्मल तौर पर आपको याद होना चाहिए। आपके सामने अंतर है। अंतर पेपर में बहुत पूछा जाता है। अंतर जब आपको लिखना है तो ऐसे लिखना है। बहुत लोग पूर्वाधिकार अंश एक पेज में लिख देंगे, एक मतलब कि एक बार हेडिंग डाल के लिख देंगे। बहुत लोग पूर्वाधिकार वालों को अलग लिखते हैं, समता को अलग लिखते हैं। सबको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बढ़िया से कॉलम बना करके। कॉलम क्रम संख्या पहला होना चाहिए, अंतर का आधार होना चाहिए पूर्वाधिकार अंश समता अंश, ठीक है। क्रम संख्या एक में लाभांश की दर, क्रम संख्या एक में आपके सामने दी गई है लाभांश की दर। आपको मैंने पहले भी बताया है, लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश एक पूर्व निश्चित दर से दिया जाता है। पहले से जो निश्चित हो, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%, पहले से निश्चित दर के आधार पर दिया जाता है। समता अंशों पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है, इनकी दर लाभ की उपलब्धता के आधार पर होता है। मतलब एक तरह से आपके घर में अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया है तो आपके यहाँ अगर कॉफ़ी बनती है, अगर आपके यहाँ खाना बनता है, कोई स्वादिष्ट मिठाई आती है, स्वादिष्ट खाना बनता है, तो पहले उस रिश्तेदार को खिला पिला दिया जाता है। उसके बाद अगर बचा रहेगा तो खाओगे, नहीं बचा रहेगा तो नहीं खाओगे। बहुत सारे बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं, कहते हैं नहीं हम पहले खा लेंगे। तो आपकी नीयतें जब ख़राब है तो आप पहले खा लीजिए, हमको क्या करना है। अगला है प्यारे बच्चों, लाभांश का भुगतान। इन्हें समता अंशधारियों के पहले, यानी कि सबसे पहले लाभांश, सब जैसे हमने बताया रिश्तेदारों को खाना सबसे पहले दिया जाता है और रिश्तेदारों का खाना निश्चित होता है ना, उसी प्रकार इनको समता से पहले, समता का मतलब घर वाले हैं आपके, घर के सदस्य हैं, उनके पहले दिया जाएगा। इन्हें लाभांश पूर्वाधिकार के बाद दिया जा, वो समता वालों को पूर्वाधिकार के बाद दिया जाता है। समता का मतलब जो आप हैं, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है या हम ही आए हैं, हम बिस्कुट खा लेंगे, कहोगे गुरुजी बिस्कुट खा के पानी पियो, तब कहेंगे तुम ही खा लो, ठीक है, बचा रहेगा तो खाओगे, अगर हम पूरा खाओगे तुम नहीं पाओगे। अगला है संचित लाभांश। इन अंशों पर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो लाभांश की बकाया राशि संचित होती जाएगी। जैसे मान लीजिए पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार होता है, संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब मान लीजिए कंपनी को हमने बताया पहले लाभांश की दर निश्चित होती है, इनको जरूर दिया जाएगा, तमाम चीज़ इनके बारे में मैंने बता दिया। और मान लो कंपनी का लाभ ना हो तो बकाया जो भी है वो लिख कर रखा जाएगा, संचित के रूप में रखा जाएगा, जब कंपनी को फायदा होगा तब ये लेंगे, ठीक है। इनके लिए संचित की कोई राशि नहीं होती है, किसके लिए, घर वालों के लिए, ठीक है। अगला है प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार
नहीं होता है। किसको नहीं होता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को, संतानधारियों को होता है। वोट डालने का अधिकार, कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार पूर्वाधिकार को नहीं होगा। जैसे आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके घर में दो भाई हैं, झगड़ा हो गया तो रिश्तेदार को बोलने का अधिकार नहीं है। खास तौर पर जहां दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो ज़्यादातर इस समय जैसे बहनें होती हैं, शादी हो जाती है तो उनका भी बोलने का एक तरह से अधिकार रहता है, लेकिन वो अधिकार नहीं रहता, समझाते हैं भले, अब वो होता नहीं है, सब वही पुरानी परंपरा चल रही है। तुम यहाँ ज्ञान बांटो मत अभी, ठीक है। अगला है विंडिंग अप, कंपनी के समापन पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों के पहले पैसा दिया जाए। मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है तो पहले इनका पैसा दे दे भैया, के का पूर्वाधिकार का, और समापन पर लास्ट में इनका मिलेगा। बचा रहेगा तो मिलेगा, नहीं बचा रहेगा तो नहीं मिलेगा। आपकी किताब में दिया है। जिन प्यारे बच्चों को लिखना है मैं इसको नीचे रख देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शानदार तरीके से इसमें दिया गया है, शानदार तरीके से दिया गया है। किताब सबके पास रहती है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सीरीज खरीद लिए हैं, सीरीज के बाद वो खरीद लिए हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, ठीक है, अनसाल्व नहीं क्वेश्चन बैंक बोलते हैं उसको। प्यारे बच्चों इतनी अच्छी लैंग्वेज में अगर दिया होगा तो पढ़ाना बंद कर दूंगा उसमें। लेकिन काव कौन कहे, देखिक दिखवा, ब्याह हो रहा है यहाँ पर, देखिक दिखवा शादी होती है, तुम्हारी उम्र में तुम किसी की हो जाएगी, तुम्हारे घर वाले कहेंगे हमारे लड़की को करना है, चाहे कमाते रहो ना कमाते रहो। देखते देखते जैसे एक खरबूजा दूसरे को देखकर पकता है, एक लोग ले लिए, इससे अच्छी भाषा नहीं लिखी है उसमें, ठीक है। आपके सामने दिया गया है आरक्षित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर। संचित पूंजी, पूंजीगत संचय भी इसको बोला जाता है। पेपर में जब पूछ लेता है हवा उड़ जाती है लोगों की, वास्तव में मैं बता रहा हूं। और पेपर में मिला लीजिएगा, कोई पेपर में अगर पूछा जाए तो पूछ लीजिएगा अपने पड़ोसी स्टूडेंट से कि ये क्या होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा हमारी बात को, हवा उड़ जाएगी। इसको बोलते हैं संचित पूंजी, ध्यान दीजिएगा, आरक्षित पूंजी को संचित पूंजी कहते हैं, इसको बोलते हैं पूंजीगत संचय। याद रखिएगा हमारी बात को, संचित पूंजी से आशय भी पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कंपनी में अंश पूंजी होती है, अंश पूंजी में अधिकृत पूंजी होती है, निर्गमित पूंजी होती है, प्रार्थित पूंजी होती है, याचित पूंजी होती है, चुकता पूंजी होती है, तो उसी के बाद होती है संचित पूंजी। संचित पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी के समापन के समय मांगी जाती है, कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगी जाती है। संचित पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी के समापन के समय मांगी जाती है, कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगी जाएगी, उसे संचित पूंजी कहा जाता है। पूंजीगत संचय वह होता है जो पूंजीगत संपत्तियों व पूंजीगत दायित्वों के कारण उत्पन्न हो जाती है, उसको बोला जाता है पूंजीगत संचय। संचित पूंजी क्या है? संचित पूंजी वह पूंजी है जो कंपनी के समापन के समय मांगी जाती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और पूंजीगत संचय वह संचय होता है जो कंपनी की अस्थाई संपत्तियों और अस्थाई संपत्तियों या अस्थाई दायित्वों को से उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं पूंजीगत संचय। पूंजीगत संचय के अंतर्गत क्या आता है? पूंजीगत संचय के अंतर्गत जब कंपनी का अंश निर्गमित किया जाता है प्रीमियम पर, 100 रुपये का अंश 120 में निर्गमित किया जाए, 100 रुपये का अंश 120 रुपये में निर्गमित किया जाए, 100 रुपये का ऋण पत्र 120 रुपये में निर्गमित किया जाए, तो 20 जो ज़्यादा मिल रहा है वो क्या है? पूंजीगत संचय है। अस्थाई संपत्ति, डिजिटल बोर्ड हमारा है 1,30,000 रुपये का, अगर इसको एक साल यूज कर लेंगे, मान लीजिए 1,00,000 का बचा मान लीजिए, तो इसको अगर 1,05,000 में बेच दें तो कितना फ़ायदा होगा? 5,000 फायदा होगा। 5 अस्थाई संपत्तियों को ह्रास काटने के बाद वृद्धि हो जाए, अगर ह्रास काटने के बाद जितना, मान लीजिए हमने डिजिटल बोर्ड खरीदा है 1,30,000 का, 30,000 एक साल का क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया, कितना बचेगा? 1,00,000 हो गया। तो लेकिन अगर कंचित इसको 1,05,000 में बेच लिया जाए तो कितना ज़्यादा बिका? 5,000 ज़्यादा बिका। देख 5,000 क्या है? पूंजीगत संचय है। उसके बाद क्या होता है? ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। जैसे किसी से आपने लोन के तौर पर लिया है 1,00,000 रुपया, बाद में रोए गाय के कह दो भैया 99,000 रुपये हमसे ले लो, तो 1,000 रुपये क्या बचा? ये पूंजीगत संचय बचा। दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, पेपर में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भविष्य में भी काम देगा। बीकॉम, इंटर, एमकॉम सबके लिए है, एकदम साफ बता दें, किताब में मिला लीजिएगा। अर्थ क्या होता है? देखो यही बोला गया है, ना मांगी गई पूंजी,
उस भाग को जो कंपनी भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आरक्षित पूंजी बोलते हैं, संचित पूंजी बोलते हैं। पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभ से उत्पन्न होता है। पूंजीगत लाभ में मैंने बता दिया ना, अस्थायी संपत्तियों को बेचने से, अंशों व ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन करने से ना, ऋण पत्रों को कम मूल्य पर शोधन करने से। अनिवार्यता, इसका निर्माण करना अनिवार्य नहीं है, इसका निर्माण करना अनिवार्य है। पेपर में पूछ ले बहुविकल्पी, पूंजीगत संचय का निर्माण करना अनिवार्य है अनिवार्य नहीं है? ओरी तुम्हें नहीं पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा नहीं था तो पढ़ लो। प्रस्ताव, इसके लिए कोई, इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं पारित करना पड़ता है। रोकने के लिए पैसा, विशेष प्रस्ताव। अमाउंट, इसकी राशि प्राप्त नहीं हुई हुई और इसकी राशि हमेशा प्राप्त होती रहती है, जैसे अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करोगे ना, ऋण पत्रों को। लेखा, इसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जा सकता है, स्थिति विवरण में इसको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका लेखा किया जाता है। इसका पैसा कहाँ दिखाया जाता है? कभी बैलेंस शीट पढ़े होगे तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। उसके बाद यह प्रयोग, आरक्षित पूंजी का प्रयोग कंपनी के समापन पर अंशधारियों से मांगा जाता है। पूंजीगत संचय का प्रयोग पूंजीगत हानियों के लिए किया जाता है, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। पूंजीगत हानियां क्या होती हैं? पूंजीगत हानि होती है कभी अगर आपका अंश 100 रुपये में निर्गमित हो रहा है, 100 का 120 में हो रहा है, तो कभी 100 का 90 में भी होगा, 10 रुपये पूंजीगत हानि है। ऋण पत्र 100 का है, 90 में ऋणगत होगा, पूंजीगत हानि है। कंपनी का प्रारंभिक व्यय होगा, पूंजीगत हानि है। इसको पूरा करने के लिए, बोनस अंश निर्गमित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रारंभिक व्यय किसे कहते हैं? प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है कंपनी को स्थापना करते समय, कंपनी शुरू करोगे तो शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तमाम कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, दर दर भटकना पड़ेगा, तो उसमें जो खर्च आएगा उसको प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, इसको कृत्रिम संपत्ति माना जाता है, समझ रहे हैं, कौन सी संपत्ति? कृत्रिम। जैसे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाना, कंपनी खोलोगे ऐसे थोड़ी कंपनी खोल दिए चलने लगी, कंपनी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखो, तमाम प्रलेख मतलब कागज लगेगा, उन्हें लाइसेंस लगेगा, प्रलेख छपवाना पड़ेगा ना, प्रलेख मतलब कागज पत्र छपवाना पड़ेगा, तमाम फोटोकॉपी करवाना पड़ेगा, ठीक है, प्रलेखों पर स्टाम्प लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फीस होती है कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम में करवाओगे तो, ठीक है। अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी होती है, प्रविवरण तैयार कराओ, छपवाओ। प्रविवरण किसे बोलते हैं? कंपनी जब स्थापित की जाती है तो एक कागज छपवाया जाता है सुनहरे अक्षरों में, हमारे कंपनी में ये फैसिलिटी है। नई कंपनी है तो अपनी योजनाओं को बताएगी, और पुरानी कंपनी है तो योजना और उपलब्धियां दोनों बताएगी ना। अभिगोपकों को दिया गया कमीशन, अभिगोपक किसे कहते हैं? अभिगोपक का मतलब होता है जो व्यक्ति कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों को बिकवाने का ठेका लेता है, उसे अभिगोपक कहते हैं। जैसे आज के जमाने में तमाम ऐप्स आ गए हैं, ग्रो ऐप आ गया है, कौन कौन है, एंजल वन आ गया है, फलाना धमाका, अरे ठीक है, हाँ सब जानते, हम नहीं जानते, ठीक है। अभी गोपकों को दिया गया कमीशन, जो अंश शेयर खरीदोगे बेचोगे, जो बता रहे थे आप लोग 20-20 रुपये कटता है, वही पैसवा है कमीशन। ये कौन देगा? ये देगा प्रारंभिक व्यय प्रवर्तक देगा। कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों को खरीदोगे, सार मुद्रा मतलब मोहर खरीद कर लाओगे उसका, ठीक है। यदि कंपनी का निर्माण चालू व्यवसाय से करे करके किया जाए तो चालू व्यवसाय खरीदने पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सब कौन देगा? प्रारंभिक व्यय, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को प्रारंभिक व्ययों को कहाँ से अपलिखित किया जाता है? कौन सी संपत्ति है? कृत्रिम संपत्ति। कौन संपत्ति है? कृत्रिम संपत्ति। व्यय भले है लेकिन कौन संपत्ति है? कृत्रिम, क्योंकि इसका लाभ कई सालों तक लिया जाएगा, समझ रहे हो। प्रतिभूत प्रीमियम खाते से अपलिखित किया जाता है, प्रतिभूत प्रीमियम खाते में ना उपलब्ध हो तो लाभ हानि खाते से इसको अपलिखित किया जाता है। इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाया जाता है, कहाँ? बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से इसको दिखाया जाता है। अंश व ऋण पत्र में अंतर बहुत पूछा जाता है। अंश कंपनी की पूंजी या कंपनी की अधिकृत पूंजी जिन छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, ऋण लेने वाले का नाम, ब्याज की राशि लिखी होती है, कितना पैसा लोन के तौर पर लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, कब वापस करोगे, ये सब लिखा रहता है, उसे ऋण पत्र बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, पूंजी या ऋण, ध्यान दीजिएगा बेटो बच्चों, जो अंश के माध्यम से निर्गमित किया जाता है, कंपनी की पूंजी,
कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अंश पूंजी। कौन सा? अंश पूंजी। इसको क्या बोलेंगे? ऋण पत्र, ऋण की पूंजी बोला जाता है। अंश पूंजी, ऋण की पूंजी। धारक, अंश के धारक कौन होते हैं? अंशधारी। जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसको क्या बोला जाता है? जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसको क्या बोला जाता है? ये सब याद रखना, इसे लिखना पड़ेगा पेपर में, नहीं तो इसे उल्टा सीधा लिख के चले जाओ मोबाइल। ठीक है। स्वामित्व, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के ऋणदाता यानी लेनदार होते हैं, चाहे ऋणदाता बोलिए चाहे लेनदार, बहुविकल्पी बहुत आता है इस पर। ठीक है। अगला है लाभांश या ब्याज। ऋण पत्र अंशों पर लाभांश दिया जाता है, जो लाभ होने पर ही दिया जा सकता है। ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है? लाभ, वो ब्याज दिया जाता है। कर्जा लिए हो, चाहे फायदा हो चाहे ना हो, देना तो पड़ेगा ही। लाभांश या ब्याज की दर, समता अंशों की दशा में लाभांश की दर और दर, हाँ, समता के में निश्चित नहीं होता लाभांश की दर, बल्कि पूर्वाधिकार बदलता रहता है। ब्याज की दर हमेशा निश्चित होती है। अगर 10% के हिसाब से किसी से लोन ले लिए, 10% देना पड़ेगा, चाहे कमाओ चाहे मर जाओ, उससे नहीं मतलब है। परिवर्तनशील, अंशों का ऋण पत्रों में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अंश लिया तो ऋण पत्र नहीं ले सकता, लेकिन ऋण पत्रों को अंशों में बदला जा सकता है। उसके बाद आगे कहानी। अब देखिए अगला है, क्लियर आल हम आल हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, आगे देखो, आगे ध्यान देखिए प्यारे बच्चों। अब देखो परिवर्तनशील हो गया, भाग प्रबंध में भाग, अंशधारी प्रबंध में भाग ले सकते हैं, ऋण पत्रधारी प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। वेरी गुड। कंपनी के समापन पर भुगतान, तो कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किसको किया जाएगा? ऋण पत्रों को। बाद में किसको किया जाएगा? अंशों को। कंपनी के समापन अधिक का अधिकार समस्त संपत्तियों को चुकाने के पश्चात संपूर्ण अधिक अंशधारियों का होगा। अगर मान लीजिए कंपनी, हम कंपनी बंद करना है हमको, अपन सब कुछ बेच डालेंगे, जिसको देना है दे देंगे, उसके बाद पैसा हमारा हो जाएगा। लेकिन ऋण पत्रों को जितना पैसा लिया गया है, उनका जितना ब्याज है वही दिया जाएगा, आगे कुछ नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।